हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको राधे जी का फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। और जैसे कि आप फ्रॉक का कलर देख रहे हो, ये है सिल्वर शाइनिंग फ्रॉक। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो और किसी भी कलर में बना सकते हो, जो भी आपका फेवरेट है। ये 5 नंबर जी की राधा जी का फ्रॉक है। इसको बनाने का तरीका काफ़ी ईजी है, तो चलिए मैं आपको फ्रॉक बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ये सिल्वर कलर का शाइनिंग कपड़ा लेंगे और इसको हमें सीधा पट्टी करके कट करना है, ठीक है। तो हमें सीधे पट्टी करके काटना है इसको। तो 2 इंच का, तो हम 2 इंच की चौड़ी पट्टी काटेंगे। पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब हमें दूसरी तरफ भी 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो 2 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम इस फीते को सीधा दोनों निशान से मिलाते हुए रखेंगे इस तरीके से, और पट्टी को कट कर लेंगे। तो ये पट्टी मैंने कट कर ली है। तो इसी तरह से बहुत सारी पट्टी कट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी पट्टी कट कर ली है। अब मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की नेट लूँगी और इसको लास्ट से कोने की साइड से कट करूँगी। तो ये लास्ट से जो लास्ट का हिस्सा है, तो इसको मैं पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब 7 इंच नापेंगे और यहाँ पर कट कर लेंगे हल्का सा निशान लगाते हुए। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी 7 इंच पर हल्का सा निशान लगाते हुए कट कर लेंगे। फिर से हम फोल्ड करेंगे। फिर से हम 7 इंच इस तरह से नापते हुए कट कर लेंगे। हल्का सा निशान लगाना है। और अब हम दोनों कट के निशान को मिलाते हुए कट करेंगे। और अब 6 इंच पर यहाँ पर थोड़ा सर्कल लेते हुए कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इंच नाप कर थोड़ा सर्कल लेते हुए हम कट कर लेंगे। तो मैंने कट कर लिया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर शाइनिंग कलर की पट्टी लगाऊंगी बल बनाते हुए। तो इस तरह से हमें यहाँ से बल बनाते हुए, तो आप ये पट्टी को निडल से या स्टिच मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर बल बनाते हुए, जैसे कि आप देख रहे हो, इस तरह से हमें पट्टी को लगा लेना है। अगर आपकी पट्टी ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट पट्टी यहीं से बल बनाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से बल बनाते हुए पूरी पट्टी को हमें लास्ट तक लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को स्टिच कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट पट्टी लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हमें पट्टी को लगाना है बल बनाते हुए, सेम जैसे हमने पहले पट्टी को लगाया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बल बनाते हुए पट्टी को लगा लेना है। तो हमें पट्टी को इस तरह से स्टिच करना है कि जो ये हमारी पहली पट्टी की जो ये सिलाई है ये छिप जाए अच्छे से। तो मैं इस लाइन में भी पट्टी को स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने ये सेकंड लाइन में भी पट्टी को स्टिच कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर थर्ड लाइन में भी पट्टी को स्टिच कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीसरी लाइन में भी पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब ये कपड़ा है, इसको हम ऊपर की साइड से इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर लेंगे
और यहाँ पर सीधे ही स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सीधे स्टिच कर लिया है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें दो तनी कट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर दो तनी कट कर ली है। अब हम नीडल लेंगे, तो नीडल को यहाँ पर तनी के कोने पर अच्छे से नोट लगाकर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर धागा हमने जोड़ लिया है, ये आप देख सकते हो। अब नीडल को इस तरह से तनी के अंदर डालते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से, जैसे आप देख रहे हो, इस तरह से मैं दूसरी तरफ से नीडल को बाहर निकाल रही हूँ। तो ये नीडल दूसरी तरफ से बाहर निकल गई है। तो इस तरह से धागे को खींचते हुए तनी को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी तनी इस तरह से सीधी हो जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरी तनी को भी अच्छे से, दूसरी तनी को भी हमें सीधे कर लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से कोई कपड़ा लेंगे और उसको फोल्ड कर लेंगे, और जो ये तनी है इसको हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। और इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर इसको इक्वल करके तनी को कट कर लूँगी। आप देख सकते हो मैं कैसे कट कर रही हूँ। तो मैंने कट कर लिया है। अब एक पट्टी लेंगे, उसमें इस तरह से बल बनाते हुए स्टिच कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर से किया है सेम इसी तरह से बल बनाते हुए स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब पहले इसके ऊपर रखेंगे बल वाले कपड़े को इस तरह से, ओके, और फिर इस तनी को इस तरह से रख कर स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये अच्छे से जुड़ गया है, आप देख सकते हो। तो ये ड्रेस कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक तनी लगानी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की नेट से एक कपड़ा कट किया है। तो ये कुछ लंबी पट्टी जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लेना है। ठीक है, इसको इस तरह से हम लगाते हुए स्टिच करेंगे। तो ये मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से बांधा जाएगा। तो ये ड्रेस हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पर आप दुपट्टा भी देख रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पर दुपट्टा भी देख रहे हो, जो हमारा सिल्वर शाइनिंग कलर का कपड़ा है, उससे मैंने ये दुपट्टा कट किया है। तो फ्रेंड्स, ड्रेस हो चुकी है कंप्लीट। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और मेरे चैनल बेबी पार्लर रानी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन आप उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।